इंडियन न्यूज 24 आवर। प्रीवियस नेक्स्ट नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष 201,819 के लिए आयकर छूट सीमा को मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकती है और मौजूदा टैक्स स्लैबों में भी बदलाव होने की संभावना है। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाने की दिशा में कदम उठाकर सरकार उद्योगों को उपहार भी दे सकती है। मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। सूत्रों ने कहा कि प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। वित्त मंत्रालय एक समूह का गठन कर इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुका है। इसका उद्देश्य आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग और कारोबार जगत को राहत देना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी 2018 को आम बजट पेश करेंगे। सूत्रों ने कहा कि मध्यम वर्ग को कर राहत देने के जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है उनमें सबसे प्रमुख आयकर की दरें कम करने के संबंध में है। सरकार कर की दरें कम कर टैक्स के बोझ से राहत दे सकती है। चालू वित्त वर्ष के आम बजट में भी 5 लाख रुपए से कमाए पर 10% टैक्स की दर को घटाकर 5% करके किया गया था। हालांकि दूसरा विकल्प टैक्स से छूट की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर राहत देने का है। फिलहाल 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय कर मुक्त है। इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए या इससे अधिक करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार आयकर स्लैब में भी बदलाव कर सकती है। दरअसल स्लैब में बदलाव के प्रस्ताव के पीछे दलील यह है कि बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए यह जरूरी है। 5 से 10 लाख रुपए के स्लैब में टैक्स की दर घटाकर 10% की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच एक नया स्लैब बनाया जा सकता है। इसमें दर 20% होगी। इससे ऊपर के स्लैब में 30% टैक्स होगा। फिलहाल व्यक्तिगत आयकर की 4 स्लैब हैं। पहली स्लैब 2.5 लाख रुपए से कम है जिस पर 0 आयकर है। दूसरी स्लैब 2.5 से 5 लाख रुपए है जिस पर 5% आयकर है। तीसरी स्लैब 5 से 10 लाख रुपए है जिस पर 20% टैक्स है और चौथी स्लैब 10 लाख रुपए से अधिक की है जिस पर 30% टैक्स है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने नवंबर में ही 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन प्रत्यक्ष करों में बदलाव पर विचार के लिए किया है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स के संबंध में जो भी बदलाव आगामी बजट में होंगे वे प्रत्यक्ष कर प्रणाली में बदलाव की दिशा और दशा तय करेंगे। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री कॉर्पोरेट रेट टैक्स में कटौती की पूर्व घोषणा पर भी इस बजट में अमल कर सकते हैं। दरअसल नोटबंदी और GST के प्रभाव के चलते उद्योग जगत की सुस्ती को दूर करने के लिए प्रोत्साहन की दरकार है। ऐसे में सरकार कॉर्पोरेट टैक्स की वर्तमान दर 30% को नीचे लाने की दिशा में कदम उठाकर इस संबंध में प्रयास कर सकती है। इससे उद्योग जगत को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि चालू वित्त वर्ष में GST के क्रियान्वयन के बाद सरकार के राजस्व में अपेक्षानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में राजकोषीय घाटे को काबू रखने की जरूरत के बीच सरकार के हाथ बंधे होंगे। हर ताज़ा अपडेट